स्कोडा तैयारी कर रहा है भारत में अपने प्लान 2.0 के तहत एक नई सी सेगमेंट सेडान को लॉन्च करने की। भारत में राइवल करेगी होंडा सिटी, ह्यूंडई वर्ना और मारुति सुजुकी सियाज को। आइए जान लेते हैं स्कोडा स्लाविया के बारे में जो अभी तक की जानकारियां सामने आई हैं। अभी कुछ महीने पहले ही स्कोडा ने कुशाक को लॉन्च किया, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में एक एसयूवी को लॉन्च किया है। अब जो नई स्लाविया लॉन्च करने वाला है इसके प्राइजेस भी काफ़ी अफोर्डेबल रहने वाले हैं और होंडा सिटी, वर्ना और सियाज से काफ़ी कंपेरेबल होंगे। साथ ही कई सारे नए सेफ्टी एस्पेक्ट पर काम किया गया है। ये गाड़ी सेफ सिक्योर होने के साथ साथ फीचर लोडेड भी होने वाली है और इंजन भी इसके अंदर काफ़ी पावरफुल दिया जा रहा है। स्लाविया को नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में यानी लगभग मार्च के आसपास तक लॉन्च कर दिया जाएगा। बात करें इसके डायमेंशंस की और इसके राइवल वर्ना, सियाज और होंडा सिटी के साथ कंपैरिजन की, इसकी जो विद है और इसका व्हील बेस सेगमेंट में सबसे ज्यादा रहने वाली है। स्कोडा स्लाविया की लेंथ 4541 mm, विद 1752 mm, हाइट 1487 mm, व्हील बेस 2651 mm आपको इसमें मिल जाएगा। बात करें इसके राइवल्स इनके साथ कंपेरिजन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कोडा रैपिड, ह्यूंडई वर्ना, मारुति सुजुकी सियाज इससे लेंथ में काफ़ी छोटे हैं, हालांकि जो नई सिटी है वो इससे लेंथ में 8 mm बड़ी है। बात करें विथ की, स्लाविया की विथ है 1752 mm, स्कोडा रैपिड, ह्यूंडई वर्ना, मारुति सुजुकी सियाज और नई होंडा सिटी, ये चारों ही गाड़ियां इससे विथ में भी कम है। बात करें हाइट की, इसकी हाइट रहने वाली है 1487 mm, रैपिड, वर्ना और सियाज इससे हाइट में काफ़ी कम है, वहीं नई होंडा सिटी इससे हाइट में 2 mm ज़्यादा है। व्हील बेस 2651 mm मिलता है आपको स्लाविया में, वहीं स्कोडा रैपिड, ह्यूंडई वर्ना, मारुति सियाज और सिटी में आपको कम व्हील बेस देखने को मिलता है स्लाविया के मुकाबले। ग्राउंड क्लियरेंस अभी स्लाविया के सामने नहीं आ पाया है, लगभग 165 के आसपास रहने की उम्मीद है और सेगमेंट में सबसे ज्यादा व्हील बेस आपको मारुति सुजुकी सियाज में मिलता है 170 mm का। बात करें स्लाविया के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो स्लाविया में आपको केवल पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिल रहा है। इसमें आपको दो टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिलेंगे, 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर और 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन का ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएगा। 1 लीटर वाला इंजन 115 PS की मैक्सिमम पावर और 178 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। वहीं 1.5 लीटर का जो पेट्रोल इंजन है वो 150 PS की मैक्सिमम पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। स्लाविया में आपको केवल ये पेट्रोल इंजन के ही ऑप्शन मिल रहे हैं, हालांकि वर्ना और होंडा सिटी के साथ डीजल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है, तो ये इन गाड़ियों के लिए प्लस पॉइंट है। स्कोडा रैपिड, ह्यूंडई वर्ना, मारुति सियाज और होंडा सिटी के साथ कंपैरिजन करें पेट्रोल इंजन का, तो रैपिड में 1 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आता है, 109 PS की मैक्सिमम पावर और 175 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ह्यूंडई वर्ना में आपको 1 लीटर और 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिल जाता है जो 6 स्पीड मैनुअल, CVT और DCT ट्रांसमिशन में मिल जाता है। 1 लीटर का इंजन 113 PS की मैक्सिमम पावर और 144 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, वहीं 1.5 लीटर वाला इंजन 118 PS की मैक्सिमम पावर और 172 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। सियाज में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आता है, जो 104 PS की मैक्सिमम पावर और 138 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं सियाज में आपको 1.5 लीटर का इंजन मिल जाता है जो 6 स्पीड मैनुअल और CVT ट्रांसमिशन में आपको मिलता है। ये 119 जो सेगमेंट में अभी तक सबसे ज्यादा है PS की पावर जनरेट करता है और 145 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। स्कोडा स्लाविया के एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात करें, फ्रंट में आपको स्कोडा की सिग्नेचर बटरफ्लाई ग्रिल मिल जाएगी जो कि क्रोम से सराउंडेड होगी और कम्प्लीटली डार्क ब्लैकआउट ग्रिल है ये। स्वैप ब्लैक LED हेडलैम्प्स मिल जाएंगे इंटीग्रेटेड LED DRLs के साथ। इस वाली सेडान में आपको यूनिक फ्रंट बम्पर देखने को मिल जाएगा क्रोम स्ट्रिप के साथ। इसका फ्रंट लुक ऑक्टेविया से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगता है। साइड प्रोफाइल भी काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प लगती है। साथ ही साइड प्रोफाइल से ऊपर की साइड देखेंगे आप, कूपे गाड़ी की तरह रूफ लाइन देखने को आपको यहां से मिल जाएगी। अभी कुछ महीने पहले ही आपने नई वाली जो ऑक्टेविया है उसको देखा होगा, तो ओवरऑल डिज़ाइन जो है उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगता है, लेकिन ऑक्टेविया एक प्रीमियम सेगमेंट में आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव कार हो जाती है। अब सेम डिज़ाइन और सेम चीज़ें आपको अगर एक मिड सेगमेंट वाली गाड़ी में देखने को मिल जाएंगी तो वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाता है। इसकी जो साइड प्रोफाइल है वहाँ से अगर आप इसका बूट वाला एरिया देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस लगता है। हालांकि अभी बूट स्पेस कितना होने वाला है इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन देखने में ये बूट काफ़ी बड़ा लगता है। रियर में आपको LED टेल लाइट्स मिल जाएंगी,
स्पोर्टी लुकिंग अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। स्कोडा की बैजिंग आपको फ्रंट फेंडर पर मिल रही है। इसके अलावा और जो इसके अंदर एक्सपेक्टेड चीजें हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर आपको एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा। सेफ्टी में 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे। इस गाड़ी के लॉन्च होने की डेट के आसपास ही इसका ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट की रेटिंग भी सामने आ जाएंगी। स्कोडा इस गाड़ी को फुल्ली रिवील नवंबर के आसपास करेगा और उसके बाद इसकी जो बुकिंग्स है वो भी शुरू कर दी जाएंगी और इस गाड़ी को मार्च में लॉन्च कर दिया जाएगा। अभी स्कोडा स्लाविया की प्राइजेस का कोई खुलासा नहीं किया गया है। इसकी जो प्राइजेस हैं इसके राइवल्स के हिसाब से यानी हुंडा वर्ना, होंडा सिटी और मारुति सुजुकी सियाज के हिसाब से देखा जाए तो 9.5 लाख रुपए से शुरू होकर के लगभग 15 से 16 लाख रुपए तक जा सकती हैं। ऑफिशियल प्राइजेस की अनाउंसमेंट जनवरी से फरवरी के आसपास तक की जा सकती है।